नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। राजस्थान कांग्रेस के अंदर जो गुत्थम गुत्थी हो रही है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। दरअसल कल जब कैपिटल टीवी में हमने इसका खुलासा किया था कि किस तरह से कांग्रेस के कुछ लीडर सचिन पायलट को एक सेक्स कांड में फंसाने जा रहे हैं, उसको लेकर के सचिन पायलट ने बगावत कर दी, इस खबर से राजस्थान की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। लोग मदेरना को याद कर रहे हैं, भवरी देवी का कांड याद करने लग गए हैं। इसमें क्या बवाल मचा है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी में जिस तरह की दीवार खड़ी हुई है राजस्थान के अंदर में, ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अब टूटने वाली है और इस टूट को कोई भी बचा नहीं सकता है। क्योंकि आज मुख्यमंत्री गहलोत बहुत ही फ्रंट फुट पे आकर के उन्होंने बैटिंग की है। और मजेदार बात क्या है कि पूरा कांग्रेस पार्टी राजस्थान के अंदर वो गर्त में जा रही है, पार्टी टूटने की कगार पे है और राहुल गांधी बांसुरी बजा रहे हैं। बांसुरी बजाने का मतलब ये कि ये एक कहावत है कि जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था। राजस्थान में पार्टी खत्म होने वाली है, सरकार के ऊपर खतरा है और राहुल गांधी दिन दिन भर पता नहीं किसकी सलाह के ऊपर वो वीडियो बनाने में व्यस्त हैं। खैर, जब किसी पार्टी का मुखिया ही इस तरह का इररिस्पॉन्सिबल हो तो जो हाल राजस्थान में पार्टी की हो रही है वो तो होना तय है। लेकिन आज का जो डेवलपमेंट है वो कई सारे पॉलिटिकल पंडित के दिमाग को हिला कर रख दिया है। गहलोत साहब कभी भी इस तरीके का लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो उनकी पहचान ही है कि बहुत ही वो सोबर हैं, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लीडर हैं और ज़्यादा पब्लिक में आकर के किसी के खिलाफ इस तरह का निंदा नहीं करते हैं। लेकिन आज उन्होंने सारे लक्ष्मण रेखा को उन्होंने क्रॉस कर दिया। आज मीडिया के सामने आते ही उन्होंने सचिन पायलट पे जो प्रहार किया है उससे एक संकेत बिल्कुल साफ हो गया है कि राजस्थान कांग्रेस में और राजस्थान की जो कांग्रेस सरकार है उसमें सचिन पायलट की वापसी बिल्कुल 100% खत्म हो गई है। क्योंकि उन्होंने कहा कि जो सचिन पायलट है ये निकम्मा है, ये नकारा है, ये कुछ काम वाम नहीं करता और सिर्फ आपस में एक दूसरे को लड़ाता है। अब ये समझिए कि जिस शख्स ने कांग्रेस पार्टी को जीरो से हीरो बना दिया, क्योंकि राजस्थान के लोग ही कहते हैं कि अगर सचिन पायलट नहीं होते तो कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में नहीं आ सकती थी, चुनाव नहीं जीत सकती थी। और किस्मत देखिए कांग्रेस पार्टी की, जनता ने आदेश दिया, जनता ने अपना फैसला भी सुना दिया, बहुमत देकर के सरकार में बिठा भी दिया, लेकिन ये सब बांसुरी बजाने में ही जुटे हुए हैं। कहीं ऐसा आपने सुना है कि कांग्रेस पार्टी का जो पीसीसी जो पूरे राज्य का अध्यक्ष है वही अपनी पार्टी को तोड़ रहा है, अपनी सरकार को गिराने में जुटा हुआ है? ये अद्भुत कहानी इसलिए हो रही है क्योंकि जो दिल्ली में बैठे लोग जो कांग्रेस पार्टी को चला रहे हैं उनकी मति मारी गई है और इसलिए यह हाल हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि आज सबसे बड़ा सवाल जो सामने है, जो पॉलिटिकल पंडित जिसको समझ नहीं पा रहे हैं कि गहलोत अचानक से बिना किसी राइम और रीजन वो मीडिया के सामने आकर के उन्होंने इतना ज्यादा उसको कह सकते हैं कि फुल टॉस बॉल को छक्के चौके क्यों लगाए, क्यों उन्होंने सचिन पायलट को निशाने पर लिया? उसकी वजह बिल्कुल एक साफ है कि सचिन पायलट की स्ट्रेटजी वो थोड़ी लड़खड़ा गई है, क्योंकि ये फैसला नहीं कर पा रहे हैं। बड़े बड़े लोग युद्ध स्थल में जाकर जब डिसीजन नहीं ले पाते हैं सही सही, तो ये हश्र होता है कि उनकी सारी तैयारी, उनकी सारी प्लानिंग डिरेल हो जाती है। सचिन पायलट अपने इसी इनडिसीजन की वजह से एक बहुत ही खराब स्थिति में पहुंच गए हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि सचिन पायलट ये जो लुटियन जोन है, ये लुटियन के जो पत्रकार हैं, जो पूरा लुटियन गैंग है उसके बहुत चहेते लीडर में से एक है। और पता ये चल रहा है कि पार्टी के अंदर वो वापस खुद को
कांग्रेस में शामिल होने के लिए उन्होंने कई सारे चैनल्स को खोला था और इसलिए पिछले 48 घंटे में कई सारे लीडर्स ने सचिन पायलट से बातचीत करने की कोशिश की और ये बातचीत यहाँ तक पहुँचे कि सीबीसी के बड़े बड़े लीडर्स तो बात ही कर रहे थे, प्रियंका वाड्रा से भी इनकी बातचीत हुई, लेकिन बातचीत का नतीजा वो सिफर निकला, क्योंकि ये जो लोग इनके हितैषी हैं लुटियन में बैठे हुए, जो कांग्रेस पार्टी के लीडर्स और गांधी परिवार के लोगों से बातचीत कर रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि सचिन पायलट आपका एक हीरा है, राजस्थान में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा अगर सचिन पायलट कांग्रेस पार्टी छोड़ के चले जाते हैं, इसे रोकिए। लेकिन इसके लिए रोकने की व्यवस्था क्या होगी, रोकने का जरिया क्या होगा और सचिन पायलट को कहां एडजस्ट किया जाएगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसलिए जब प्रियंका वाड्रा ने सचिन पायलट से बातचीत की तो प्रियंका वाड्रा ने दो टूक शब्दों में कहा कि राजस्थान कांग्रेस में अब आपके लिए कोई स्थान नहीं है, अगर अब आपको कांग्रेस में रह के राजनीति करनी है तो आपको केंद्र में आना होगा, दिल्ली से ऑपरेट करना होगा और संगठन में आपको कोई पद दी जाएगी। अब इसको लेकर के सचिन पायलट दुविधा में फंस गए। अगर किसी लीडर को जो कोई मास लीडर है, ये ठीक वैसी स्थिति है ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने थी, उनकी कर्मभूमि मध्य प्रदेश से उठा करके यूपी में फेंक दिया गया था। अब सचिन पायलट से भी यही बात कही जा रही है कि अगर आपको राजनीति करनी है, कांग्रेस के साथ रहना है, तो आपको राजस्थान का त्याग करना पड़ेगा और इसके लिए सचिन पायलट या कोई भी शख्स होगा वो तैयार नहीं होगा, क्योंकि अगर वो लीडर ही क्या जो अपने सपोर्टर्स, अपने समर्थक, अपनी जनता से उसे दूर कर दिया जाए, तो ये मसला प्रियंका वाड्रा और सचिन पायलट के बीच नहीं बना और इसलिए ये दिल्ली में डेडलॉक चल रहा था। लेकिन जैसे ये खबर जयपुर पहुंची, गहलोत साहब के कान में जैसे ये खबर पहुंची कि दिल्ली में तो एक अलग किस्म की बातचीत हो रही है, जयपुर में गहलोत साहब तो सचिन पायलट के सारे समर्थक एमएलएस को बाहर का रास्ता उनको डिस्क्वालीफाई कराने के लिए यहाँ योजना तैयार कर रहे हैं, और जब उनको पता चला कि प्रियंका वाड्रा ही बात कर रही है कि उनको वापस कांग्रेस में लाया जाए, एक लॉबी काम कर रही है, इसलिए वो लगातार, वो आपको याद होगा कि वो उनके जो बयान आ रहे हैं लगातार वो ये कह रहे हैं कि ये तो मीडिया वाले के बहुत पसंदीदा हैं सचिन पायलट, वो सुंदर दिखते हैं, अंग्रेजी बात करते हैं, वो इनोसेंट लुक की वजह से मीडिया उनको बहुत पसंद करता है। ये मीडिया दरअसल कोई और मीडिया नहीं है, लुटियन के बारे में कह रहे हैं कि जिसकी वजह से ये सचिन पायलट के लिए कुछ लोग कांग्रेस पार्टी में दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो जैसे ही ये खबर उन तक पहुँची कि ये तो पूरा गड़बड़ हो जाएगा, वापस सचिन पायलट इनके माथे में अगर कांग्रेस पार्टी में रहे, क्योंकि गहलोत की स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है कि वो एन केन प्रकारे सचिन पायलट को कांग्रेस पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाना चाहते हैं ताकि इस वक्त वो मुख्यमंत्री बने रहें और आगे आने वाले समय में अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सके। और इसलिए जैसे ही उनको ये पता चला कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर्स और प्रियंका वाड्रा सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं, वो अचानक से अपने घर से बाहर निकले, मीडिया के सामने आए और ऐसे ऐसे बयान दे डाले कि जिससे एक बात क्लियर हो गई कि गहलोत साहब को सचिन पायलट राजस्थान में अब बर्दाश्त नहीं है, और दूसरा उन्होंने केंद्र में जो बैठे लीडर्स जो सचिन पायलट से बातचीत कर रहे हैं उनको भी ये एक धमकी दे दी कि आप ये जो बातचीत का जो रास्ता आप लोगों ने ये चैनल खोल रखा है इसको बंद करें, क्योंकि अगर इस तरह की चीजें होती हैं तो ये खुद रिवोल्ट कर डालेंगे। और सबसे जो तीसरा मारक ये जो अपने बयान से उन्होंने किया है वो एक विचित्र स्थिति सचिन पायलट के सामने पैदा कर दी है उन्होंने, कि अब सचिन पायलट के समर्थक, उसके एमएलएस वो यही कहेंगे कि जो शख्स खुले रूप से आपको गालियां दे रहा है, आपको नकारा कह रहा है, निकम्मा कह रहा है, अब वापस जाने के लिए तो कोई रास्ता बचा नहीं, क्योंकि अब ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स आपको इस तरह की बातें कह रहा हो और आप वापस उसके लीडरशिप के अंदर राजस्थान में काम कर सके। तो ये पूरी कहानी का जो सार ये है
कि कांग्रेस पार्टी में अब सचिन पायलट के वापसी का सारे जो रास्ते थे, जो सारा चैनल था, वो अब बंद हो चुका है। अब सचिन पायलट को ये तय करना है कि उनको बीजेपी में जाना है या कोई राजस्थान की रीजनल पार्टी बना करके वो एक नए सिरे से अपनी राजनीति को खड़ा करना है। ये फैसला सचिन पायलट को लेना है। हालांकि सचिन पायलट जिस तरीके से ढुलमुल तरीके से वो फैसले लेने में देर कर रहे हैं, उससे उनका सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक उनको अपने मित्र ज्योतिरादित्य सिंधिया से इस बात को सीखना चाहिए। उन्होंने 48 घंटे में सारे काम कर डाले थे, विधायकों को बेंगलोर भेजने से लेकर के बीजेपी में शामिल होने तक का पूरा फैसला 48 घंटे में उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट स्ट्रेटजी के साथ, सही सही फैसले के साथ उन्होंने ये सारी अपनी कवायद को पूरी की थी, जो सचिन पायलट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये सब तो चल ही रहा है, लेकिन वहाँ की मीडिया में, जयपुर की मीडिया में एक अजीबोगरीब एक नया कहानी अब चलने लग गया है। वहाँ लोग कह रहे हैं कि ये गहलोत साहब जो है ये बहुत ही तिकड़मबाज ही है, जितने सोबर नज़र आते हैं, जितने मृदुभाषी हैं, उतना ही अंदर से कठोर है। और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को किस तरीके से चारों खाने चित किया जाता है, इस कला में पूरी तरह से निपुण है। जब पिछली बार वो चीफ मिनिस्टर थे तो एक बहुत बड़ा सेक्स कांड हुआ था, इसको कहते कि भंवरी देवी सेक्स कांड, और इसमें उनके ही अपने मंत्री मदेरना साहब एक बहुत सीनियर लीडर थे और 2.5 साल का वक्त पूरा हो गया था और ये सुगबुगाहट हो रही थी कि मदेरना साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। वो पॉपुलर लीडर भी थे, विधायकों में उनकी साख भी थी, और ये कुछ वाकया चल ही रहा था कि अचानक से एक महिला भंवरी देवी जो किसी हॉस्पिटल में नर्स थी, उसका एक सेक्स कांड एक विश्वकन्या की तरह उसको पेश किया गया, और उस दिन से अब तक मदेरना साहब जेल के सलाखों के अंदर बंद हैं। और एक पूरा अपना जो सबसे बड़ा पॉलिटिकल अपोनेंट गहलोत साहब का था, वो उसे जड़ मूल के साथ जो है उन्होंने समाप्त कर दिया। और यही बात जो कल हमने खबरों की खबर में वो कहानी को खोला था कि किस तरीके से सचिन पायलट को ये आभास हो गया था, एक एप्रिहेंशन हो गया था कि किसी महिला, हालांकि बहुत सारे मीडिया में उस महिला कौन है, कहाँ की रहने वाली है, किसके जरिए उसको मिलाया गया सचिन पायलट से, इस तरह की कहानी जयपुर में डिस्कस किया जा रहा है, सोशल मीडिया में डिस्कस किया जा रहा है। मतलब ये कि मदेरना चैप्टर 2 की शुरुआत वहाँ पे होने वाली थी कि सचिन पायलट ने बगावत कर दी, ये बातें वहाँ पे आम चल रही हैं। हालांकि वो महिला कौन है, किसके जरिए वो सचिन पायलट से मिली, क्या रिश्ता है नहीं है, इसके ऊपर बहुत सारे कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि अब इन स्टोरीज का कोई माने मतलब इसलिए भी नहीं है क्योंकि गहलोत साहब को जो करना था, जो अचीव करना था कि उनको किसी तरीके से कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखाया जाए, जो उनके खिलाफ उनकी कुर्सी के ऊपर जो चैलेंज जो आ रहा था सचिन पायलट की तरफ से, उसको उन्होंने निरस्त कर दिया है। और इसलिए इस थ्योरी की भी, और ये जो पूरा जो विश्वकन्या की जो कहानी जो जयपुर में और राजस्थान में अभी चलाई जा रही है सोशल मीडिया में, वो उसकी अब कोई ज़रूरत शायद नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों इस तरीके से कांग्रेस पार्टी, जिसे राजस्थान की जनता ने फुल बहुमत के साथ सरकार पे बिठाया था, वो आपस में ही ये लोग लड़ गए। ये स्थिति इसलिए पैदा हुई है क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बागडोर एक ऐसे शख्स, एक ऐसे नौसिखिए के हाथ में है जो इतनी सारे प्रॉब्लम्स हो रही है। अब पता चला महाराष्ट्र में एक नया प्रॉब्लम शुरू हो गया है, पांडिचेरी में वहाँ पे सरकार है, वहाँ पे एक प्रॉब्लम शुरू हो गई है। तो ये सब जगह कांग्रेस पार्टी खंड खंड विखंड हो रही है। और हमारे राहुल बाबा जो हैं वो बड़े बड़े टेक्नीशियंस, सुना है कि बॉम्बे से कुछ फिल्म मेकर्स आए हैं वो 3 मिनट का वीडियो बनाने के लिए, वो बड़े बड़े एडिटर्स आए हैं, तो ये दिन भर उन्हें लग जाता है वो 3 मिनट का वीडियो बनाने में, तो उसकी शूटिंग में ये पूरी तरीके से व्यस्त है। और जो निगोशिएशन की जो बातचीत हो रही है, जो सचिन पायलट को मनाना है नहीं करना है, ये प्रियंका वाड्रा कर रही है। कांग्रेस अगर इसी तरीके से चलती रही तो कांग्रेस अपने
बहुत ही खराब और सबसे इसको कह सकते हैं कि रीजनल पार्टी बन करके वो सीमित रह जाएगी। कांग्रेस की जो समर्थक हैं, जो लीडर्स हैं, उनको सामने आना चाहिए और एक डिटरमाइंड और बहुत ही मैच्योर तरीके से ये जो सुखबुगाहट पार्टी के अंदर हो रही है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।